ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों के नीचे नीचे ये पानी कैसा लगा राजू भाई आपको? कैसा लगा, बस शरीर पूरा सुन्न हो गया ना करके है? और बता नहीं सकते कि कान अब खुल नहीं रहे मेरे से। मैं तो ठंड के मारे अंदर जा ही नहीं रहा था। आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे एक बार बड़ा ठंडा ठंडा लगा। बैग को कैरी करना पड़ रहा है और ऐसे चढ़ना पड़ रहा है, बड़ा कठिन है। ये हमारे फोटोग्राफर साहब, इनके कपड़े उतार लिए गए हैं। तो गाइस अभी हम उतर के नीचे जा रहे हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, तो आप देख सकते हो हमें वहाँ तक उतरना है। पसीना आ गया भगवान जमीन। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो गाइस आप सब? आई होप यू आर फाइन। तो गाइस आज के व्लॉग में काफ़ी मजा आने वाला है और आज के व्लॉग में मैं आपको वो एक्सपीरियंस देने वाला हूँ अपना जो कि एक फोटोग्राफर्स का है। हम जा रहे हैं आज के दिन कश्मीर, बाय द ट्रेन कश्मीर जा रहे हैं हम। और अभी टाइम हो रहा है 9:08 बज रहे हैं, वो 9 बजे की ट्रेन है, तो 9 बजे हम जाएंगे स्टेशन पे और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ कौन कौन है, मतलब हमारी पूरी फोटोग्राफर्स की टीम गई है, तो मैं आपको सबको सबसे मिलवाऊंगा कि कौन कौन है। और हम ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम काम अपना कैसे करते हैं फोटोग्राफी लेवल से। ये गाइस ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको ट्रैवलिंग का भी मजा दूंगा और मैं आपको फोटोग्राफर्स का एक्सपीरियंस भी दूंगा। तो गाइस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और मैं आज आपको दिखाऊंगा, तो मैं सभी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, आपको सभी चीज़ बताऊंगा। तो गाइस व्लॉग काफ़ी बेटर होने वाला है, काफ़ी मजा आने वाले हैं, व्लॉग को मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। हमारे साथ कई जने हो रहे हैं, मैं आपको यहीं पर बताऊंगा स्टेशन पर पहुँच के, क्योंकि सब तो स्टेशन पर मिलने वाले हैं, तो स्टेशन पर चलते हैं। चलो चलते हैं, हो गई तैयारी, तो जाने के लिए रेडी हैं। ये एक ये जा रहे हैं हमारे साथ, देखो भैया रोहित भाई जो कि आपके जानते हैं, और ये सारा हमारा सामान है। पहले तो हाँ एक तो सेफ डाल दें, ये ज़्यादा ज़रूरी था। वो रास्ते के लिए ठीक है। ये यहाँ तक आ गए थे वापस और ये वापस जा रहे हैं। भाई सामान का क्या करा तुमने? इतनी खुशी, तुमने सामान का क्या करा? ये हमारे तुषार भाई है और ये हमारे राजन भाई। हम जा रहे हैं कश्मीर। क्या कहाँ जा रहे? मिलेंगे कश्मीर में। ओके जय माता दी। इसी ट्रेन से बैठते ही फोन पे लग गए हैं। नींद पूरी हो गई। कितनी देर ले रही है हमें पहुंचने में? सिर्फ 20 मिनट। हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। तो आज हमारा दूसरा दिन है, कल हम निकले थे शाम को और आज हम कश्मीर पे पहुंचे। जम्मू पार किया है अभी, कश्मीर पे हम इस समय हैं और आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं, जो भी रिचुअल्स होता है वहाँ पर जाके जगह पर पहुँच गए, तो वो सब आपको दिखाऊँगा और जो भी फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं, है ना? बिल्कुल यहाँ पर साफ आ रहे Thank you.
सामान सारा निकाल लिया है अपना है, अब हम कूली बनने जा रहे हैं। वो याद कर रहे हैं ट्रेन को याद कर रहे हैं। वापिस जाना है क्या? यहाँ से आए हो? बोझ नहीं दिख रहा अभी, बोझ नहीं दिख रहा। गाइस अभी तो हम स्टेशन पे 15 मिनट से रुके हुए हैं, हमारी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है लेने के लिए, तो हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो काफ़ी मतलब 15-20 मिनट तो हो गए हैं और पता नहीं कितना टाइम लगे, तो जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो गाइस एक जने के साथ प्रैंक होने वाला है, तो अभी देखना। हमारे साथ राजन भाई है, अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, चल के प्रैंक। हमको सिखा रिया है ये, देखो भाई, देखो भाई, मुझे लगा इसने, भाई को मुझे लगा इसने पैसा मांगने के लिए रुमाल बिछाया था। ये देखो, देखो हम लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा तू ले ले। तो खाना खाने के लिए बिछा दे, आपने प्रसाद दे दिया। बात तो सही है भाई। ये देखो हम रेडी हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और ये देखो दो भूखे बैठे हुए हैं। जली ना तेरी भी जली ना। ये बेचारे जन्मों के भूखे हुए हैं। और ये क्या करे अब, क्या करे भाई, क्या हुआ आपको भैया? ये देखो, और ये देखो, एक ये देखो इनको। ओ भाई कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो आप? गड्डी खेलने के लिए बैठे हो? अच्छा, जिसका आ गया उसका है 10 रुपए इनाम। 10 रुपए इनाम भैया, बुलाओ ना कहो भाई 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ये देखो ये जादू करता जो काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये? तो जब ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप बताओ इसमें से कौन सा नंबर है। अंकल जी ये दिल्ली से आए हुए हैं भैया, नंबर तो मुझे आता नहीं है, जादू तो आपको आता है, तभी तो जादू तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। जादू और नंबर मुझसे पूछ रहे हैं। हमारा जादू सुन अंकल जी, आप यहीं से हो? हाँ मैं यहीं से हूँ, उधमपुर जम्मू कश्मीर से, उधमपुर कटरा गया था। और हम लोग ओके चार महाजन स्टेशन है, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया। हमें कोई लेने आ रहा है तो अपना जादू दिखाइए, उसके बाद आप जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाकर दिखाना, कोई और फंस जाएगा। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली गाइस गाड़ी हमारी आ गई है, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई है। अभी गाड़ी पे सारा सामान रखेंगे भाई, तुषार भाई आपको भी, ये भगवान क्या जुलूम है, इनको भी रखेंगे। अरे भाई अब बंद कर दो, खा लिया, अब कोई नहीं रोकेगा, खाओ जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, आराम से खाओ, हम गाड़ी रोक लेंगे, ठीक है। तो आ गई गाड़ी, रख लो सामान, गाड़ी आ गई, बैठ के जा रहे हैं। आप ऊपर मिलते हैं? ऊपर नहीं, जगह पे मिलते हैं। भैया से आपका नाम बताओ? आसिफ चंदेल। आसिफ चंदेल नाम है ये भैया जी हमारे, ये हमारे को ड्रो लेके ऊपर जाएंगे। बिल्कुल 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 जाएगी।
अभी खाने के लिए रुक गए हैं यहाँ पर, कुछ नाश्ता हो जाए उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी इस समय हम कुछ खाने के लिए रुक गए हैं एक ढाबे पे, तो अभी नाश्ता कर रहे हैं। व्यू देख रहे हैं यहाँ का जो कि आपको दिखाया, देखो वहाँ पर मतलब पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ से नीचे जो दिख रहा होगा झरना। तो अभी हम नाश्ते के लिए रुक रहे हैं, अभी हमें 80 किलोमीटर और जाना है, मतलब 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का जो भी रास्ता होगा हम वो कवर करेंगे अभी। तो बाय द वे मैं आपको व्यूज़ दिखाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। अभी खाना खा रहे हैं, कुछ खा लेते पी लेते थोड़ा पेट को सुकून दे देते, सुबह से बस ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो अभी नाश्ते के लिए रुक गए। जम्मू का फेमस कलाड़ी कुलचा ये वो। तो अभी नाश्ते के लिए रुके, सारी ये करना है, हाँ सब कर दो। यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देखने के लिए रुक गए, चेनाब नदी है, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हैं चेनाब नदी जो चीन से आई है, बहुत बढ़िया लग रहा है व्यू यहाँ का, देख रहे हो पहाड़। ये पहाड़ों से आ रहा पानी पूरा, इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिली हुई है पानी के अंदर। ये अभी भैया ने बताया कि पानी से अगर आप मूड हो गए तो चेहरे पे पिंपल वगैरह साफ हो जाएंगे, पीने से भी थोड़ा पेट का आजमा अच्छा हो जाएगा। तो वही हम चेक करने आए हैं, चेक करते हैं पानी का स्वाद कैसा होता है, चेक करके बताना स्वाद कैसे। भैया किसी आरओ की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है, मीठा पानी आता हुआ पानी। ये हमारे भैया जी जिन्होंने बताया
एक ये नज़ारा दिखा, ये व्यू दिखा, जो कि पानी आ रहा है और इस ट्रक पे भर रहा है। ये कहाँ से आ रहा है भैया पानी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पहाड़ों से आ रहा है वो तो हमें भी दिख रहा है। वो देखो बंदर 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 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं हैं? कहाँ के भी हिम्मत है भाई, देखो देखो ऊपर बच्चा, देखो अपनी गाड़ी की ओर फिर से चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, पहाड़ के बीच में देखो गाँव है भैया, देख रहे हो पहाड़ के बीच में है घर एकदम। गाड़ी को एकदम ही उसे पूरी टर्न हो रही है, देखो खिड़की से बाहर चले जाओ। पांच मिनट रुक सकते हैं ना हम यहाँ पर, रुक सकते हैं। होए होए एकदम गाड़ी रोक दी है, थोड़ा नहाने का प्लान बन गया है। गाड़ी रोक दी है गाइस और नहाने का प्लान बन गया है हमारा सडनली, क्योंकि रिवर देख के इतना अच्छा व्यू देख के ना गाइस, आप खुद देखो व्यूज देखो बस आपके यहाँ। ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों के नीचे नीचे और ये पानी। और शायद गाइस इसी को जन्नत कहते हैं दिल्ली में, क्योंकि ऐसी चीज़ तो देखने को मिलती ही नहीं है, इसीलिए कश्मीर में देखने को मिली है। तो ज़रूर खींचना है भैया की, भैया ने बहुत सेवा की है। भैया मेरे को यहाँ पर ठंडी लग रही है अभी से। देख रहे हो कि जैसा भी हम रेस्ट करने के लिए यहाँ पर नहाने के लिए रुके हैं और यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं सारे, देख रहे हो। और पानी एकदम, अभी पानी पर उतरा नहीं हूँ लेकिन फिर भी पानी के पास जाती इतनी ठंड लग रही है ना, क्या बताऊँ, एकदम ऐसा लग रहा है बर्फ में बर्फ के बाद में लग रहे हालांकि आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी। बड़ा ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा पानी है, बर्फ में तब्दील हो रहा है एकदम, बस कुछ मजा नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी आपने देखा कि हम वाटरफॉल में फुल एंजॉय किया, फुल नहाए हमारे साथ और बहुत मजे आए हमारे को, पानी इतना ठंडा था गाइस ऐसा लग रहा था बर्फ में नहा रहे हैं वाकई में। देखो यहाँ से पानी एकदम ठंडा होते हुए नीचे नीचे लहर पे हम ला रहे थे एकदम, और जो हमारे को लग रही ना शरीर पे पानी ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा कि सर्दी का मौसम है पूरा। और कैसा लग रहा राजू भाई आपको? ऐसा लगा बस शरीर पूरा सुन्न हो गया ना करके हैं, शरीर पूरा सुन्न हो गया, सुन्न बिल्कुल भाई। हाँ बताओ भाई अब कैसा लगा तुम्हारे को वाटरफॉल में? हाँ बहुत प्यारा बहुत ही सुंदर, और बता नहीं सकता कि कान अब खुल नहीं रहे मेरे से मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस पता चल गया, तुम्हारे को कैसा लगा भाई? मजा आ गया, मजा आ गया
बहुत ज्यादा, मैं तो ठंड के मारे अंदर जा ही नहीं रहा। अच्छा, फिर भी मैं गया, मैंने कहा आया हूँ तो जाना चाहिए। तो एक बार हमारे भैया से पूछ ले, भैया अभी तक आपको कैसा लगा वाटर पूल पे नहा के? आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे एक बार बड़ा ठंडा ठंडा लगा। तो यहाँ पर सबको मजे आए, सब फुल एंजॉय हुआ हमारा जो कि आपको दिखाया। बहुत ऊपर आ गए चढ़ के, शायद इतनी ऊपर से जाने की बात हो रही थी, बहुत ऊपर जाना है। तो भैया हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं, शायद इतनी ऊपर आने की बात हुई थी ना। इतनी ऊपर नहीं, उससे भी ऊपर है, जाना पैदल हमारे को। मालिक बस बहुत हो गया। तो हमारा बड़ी सुन के परेशान हो गए भाई। अभी हमें और चढ़ के जाना है, मतलब अब गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं जा सकती, अब हमें पैदल चल के जाना होगा। कितने नीचे सर, कितने ऊपर आ गए हैं। हाँ शायद यही बात थी। सबसे बड़ी बात, हम इतनी में ही घूम रहे हैं, बोल बोल। मतलब भैया मैं क्या क्या दिखाऊं? बात तो सही है। इतना तो दिखा भी नहीं सकता इससे। मतलब हम उतनी नीचे से, ये 10x है, उतनी नीचे से इतनी ऊपर आ गए। ठंडक ठंडक ठंडी हवा लग रही है, इतनी ऊपर आ गए हैं, और अभी इसके थोड़ी सी ऊपर और जाना है। नहीं हो रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, दे रहा हूं यार, इतनी बहुत, मतलब बहुत ऊपर आ गए हम वाक्य में। और अभी हमारे को अब देखना है कि क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है, तो उसको अटेंड करना है। तो बाकी तो आपको दिखाते हैं कि आगे क्या होता है, तो चलो चलते हैं अभी आगे। बादल नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो हैं, इतने ऊपर आ गए, वो बिल्कुल टच है वहाँ से बादल। 80 किलोमीटर हमें कवर करने में इतना टाइम लग गया। कितने बजे ट्रेन हमें छोड़ी थी? ट्रेन ने हमें छोड़ा था 9:15 बजे। 9:15 बजे और अब 3 बज रहे हैं, देख लो। बैग को कैरी करना पड़ रहा है और ऐसे चढ़ना पड़ रहा है, बड़ा कठिन है। टूरिस्ट के मजे आ रहे हैं हैं। क्या हो गया, मजे आ रहे हैं? बहुत मजे आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। ये रहा, ये होता है, बहुत ही मजा आ रहा है, पूरा एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। गाइस यहाँ चलते चलते देखो क्या हुआ। गाइस गया। ऐसा लग रहा कीले जंच दी हूँ किसी ने पैरों पे। ये हमारे फोटोग्राफर साहब, इनके कपड़े उतार लिए गए हैं।